हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की ओर से नया और इम्पोर्टेंट नोटिस आ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्फिडेंशियल 1-1 करके दिया हुआ है। और ये जो है जूनियर इंजीनियरिंग सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जाम 2020 को लेकर के है, जिसमें से डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट हो गया है पेपर 2 फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपेयरिंग इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हैं कि ये जो है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले जो भी एग्जाम हुए 2020 वाले जूनियर इंजीनियर का, उसका पेपर 2 का रिजल्ट जारी हो गया है। और उसमें अब जितने भी कैंडिडेट्स पास किए हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो जो चैनल में नए आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए वीडियो, क्योंकि यह एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है तो SSC की ओर से। तो चलिए मैं आप लोगों को एक करके सारी चीज़ों को बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट ऑफ पेपर 1 ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जाम 2020 वाज डिक्लेयर्ड ऑन 30/6/2021, यानी कि 30 जून 2021 को यह डिक्लेयर कर दिया गया था। बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ पेपर 1 ऑफ द सेट एग्जामिनेशन 5,711 कैंडिडेट्स, जिसमें से सिविल 3,886 एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 1,885 वेयर क्वालिफाइड फॉर अपेयरिंग इन पेपर 2। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो है 30 जून 2021 को रिजल्ट जारी कर दिया गया था पेपर 1 का, और उसमें से 5,711 कैंडिडेट्स पास किए थे, जिसमें से सिविल के लिए 3,826 और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का मिला करके 1,885 कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया गया था पेपर 2 के लिए। और पेपर 2 ऑफ द एग्जामिनेशन वाज कंडक्ट ऑन 26/9/2021। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 26/7/2021 को पेपर 2 का एग्जाम हो गया था। अब उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 2 हैव बीन फिक्स्ड एज फॉलोड। तो यहाँ पर आप जो है पेपर 2 में जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या है ये आप लोग देख सकते हैं। तो कैटेगरी है UR, OBC, EWS और अदर कैटेगरीज के लिए परसेंटेज मार्क्स जो था वो 30, 25 और 20% का था, यह कैटेगरी वाइज दिया गया है। और इसमें ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ मार्क्स पेपर 1 प्लस पेपर 2 फिक्स्ड बाय द कमीशन फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर अपीयरिंग इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 का जो मिला करके था वो सारी चीज़ें होने के बाद में पेपर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग का कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं SC, ST, OBC, EWS, UR, OH, HH टोटल है यहाँ पे। तो कट ऑफ मार्क्स जो है वह पेपर 1 पेपर 2 का मिला करके SC का है 201 से ऊपर, ST का है 188 से ऊपर, OBC का 234 से ऊपर, EWS का 229 से है यानी 229 से है, UR का है 257 से ऊपर का है, OH का 150 से ऊपर, HH का है 137 से। और अवेलेबल कैंडिडेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 239, 144, 501, 150, 21, 11 टोटल है यहाँ पे 1229। तो सिविल इंजीनियरिंग में है टोटल 1229 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कट ऑफ मार्क्स भी आप लोग साथ ही यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे मैं आप लोगों को अगला पेज में दिखाता हूँ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कितने हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो दिया है SC ST करके है, ये आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ पेपर 1 और पेपर 2 का मिला के कट ऑफ मार्क्स जो है वो है 260 से ऊपर, 240 से ऊपर, ये आप लोग एकदम आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ पे अवेलेबल कैंडिडेट्स जो हैं दोनों मिला करके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का वो है 571, यानी कि 571 कैंडिडेट्स जो हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे और क्या कर देखते हैं, द लिस्ट हियर इन आर प्रोवाइड द कैंडिडेट्स हुज रोल नंबर फिगर इन द लिस्ट वुड बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन द रिजल्ट नीड टू अपियर फॉर डिपेंड वेरिफिकेशन। कैंडिडेट्स हु डू नॉट अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि जिसका रोल नंबर यहाँ पे दिया गया है उसी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट है उनको अपियर होना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी कहा गया। साथ साथ जो कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होंगे उनको फाइनल सिलेक्शन के लिए सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, यह भी कहा गया है। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे कैंडिडेट्स को, वे लोग जरूर से जरूर यहाँ पे शामिल होइए और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर जरूर कराइए। अगला देखते हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्ट शॉर्टली एंड इट्स शेड्यूल विल बी अनाउंस इन ड्यू कोर्स। यहाँ पे जो है ये बहुत जल्दी आपको शेड्यूल कर दिया जाएगा कब बुलाया जाएगा ये आप लोगों को बता दिया जाएगा। द एडमिट कार्ड्स ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर अपेयरिंग इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी अपलोड ऑन द वेबसाइट ऑन द रेस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस बिफोर द कंडक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स पास करेंगे उनको एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा अपने रीजनल जो ऑफिस है वहाँ पर, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट रहेगा उससे पहले ही ये अपलोड कर दिया जाएगा, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है। साथ साथ दैट कैंडिडेट्स हु आर अनएबल टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड्स में कॉन्टेक्ट द कंसर्न रीजनल ऑफिस इमीडिएटली। और जिसको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में अगर कोई परेशानी होगी तो वो कंसर्न रीजनल ऑफिस में जल्दी से जल्दी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग द डाउनलोड ऑफ द एडमिट कार्ड इज स्लोली ऑफ द कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे है
कैंडिडेट्स को कहा गया है कि एडमिट कार्ड जरूर से जरूर डाउनलोड कर ले आराम से आसानी से, और अगर नहीं होता है तो वे रीजनल ऑफिस में जा करके संपर्क कर सकते हैं, ये भी कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी होस्टेड ऑन द कमीशन्स वेबसाइट 4/3/2022, यानी कि 4 मार्च 2022 को यहाँ पे क्वालिफाइड जो भी रहेंगे और नॉन क्वालिफाइड जो भी रहेंगे कैंडिडेट्स, उनका मार्क्स को 4 मार्च को अपलोड कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स में चेक दियर इंडिविजुअल मार्क्स फ्रॉम 4/3/2022 to 31/3/2022, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वे लोग अपना अपना मार्क्स को देख सकते हैं 4 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक के बीच में, और वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड पासवर्ड को क्लिक कर लेंगे रिजल्ट मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट डैशबोर्ड। तो कैंडिडेट डैशबोर्ड में आप लोग अपना रजिस्टर्ड नंबर और रजिस्टर्ड पासवर्ड के साथ में रिजल्ट एंड मार्क्स वाले सेक्शन में जाने के बाद में अपना जो है मार्क्स देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर सेक्रेटरी कॉन्फिडेंशियल 1/1/25/2022, यानी कि 25 फरवरी 2022 को ये आया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2020 एग्जाम के हैं उनको अब जल्दी से जल्दी बुला लिया जाएगा। तो यही बहुत बड़ा नोटिस है, आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग साफ साफ जो है वो कट ऑफ मार्क्स भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ अपना जो डेट है वो मैं आप लोग जरूर जरूर बताऊँगा, तो वो भी आप लोग जरूर जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो टोटल कैंडिडेट्स हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, तो टोटल हैं यहाँ पर, वो सब सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा।